सो हाय गाइस, देखो इस बात पे बिल्कुल शक नहीं है, गरना वाले अभी हमको दबा के गोल्ड कॉइन दे रहे हैं। अब हमारा काम क्या बनता है यार, उसको खर्च करना किसी ऐसे इवेंट के अंदर जिसके अंदर से हमें गोल्ड कॉइन खर्च करने पर बंडल, गन स्किन, इमोट, मिली वेपन ये सारे एक साथ में देखने को मिले। बात तो सही है। तो इसलिए गाइस आज आपको एक ऐसा इवेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है स्पेशल गोल्ड रॉयल, जो कि कुछ दिन बाद आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, फ्री फायर इंडिया स्पेशल, एंड जिसके अंदर आप लोग को बंडल 3-4 मिलेंगे, गन स्किन मिलेंगे, इमोट मिलेंगे, एंड साथ में कुछ और भी रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ गाइस, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आप सबके लिए लेकर आया हूँ। असल में ये बात यह है कि आप सभी के आईडी को बैन कर दिया जाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नहीं डरो मत, मतलब आपके आईडी को ही बैन किया जाएगा, इसमें दुख वाली क्या बात है यार, सिर्फ आईडी तो बैन होगा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अब भाई साहब, ये न्यूज कहां से मिल रहा है और क्यों बैन किया जाएगा, सब कुछ आपको हम आगे बताएंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करने वाले हैं कि अपडेट के बाद हमें अपने गेम के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर ऐसा है जिसके अंदर हमें गाइस जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है, और उसमें एक कैरेक्टर का नाम शामिल किया गया है जो कि बेसिकली है सूजी। वैसे हाँ, और एक मजेदार अपडेट आज कवर करने वाला हूँ, वन पंच मैन शॉटगन क्या अपने गेम के अंदर कभी बैक आ सकता है, और अगर आएगा तो भाई ये कब तक बैक आ सकते हैं। अब ये सारे कमाल के अपडेट्स को जानने के लिए बस वीडियो को देखते रहो आप लोग। Okay. तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ कैरेक्टर एबिलिटी चेंजेस के बारे में। देखो गेम के अंदर आप लोगों को अभी के टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलता है, बट अभी के टाइम पे जो यूज होता है सबसे ज्यादा भाई उसमें है अपना सोनिया, नैरी है जो कि ग्लूवल को प्रोटेक्ट करता है, एंड इसके अलावा दिमित्री है, और बहुत से लोग ओरियन को भी इस्तेमाल करते हैं, एंड साथ ही में गाइस बाकी जो प्लेयर बचे हुए हैं भाई वो अपना फेवरेट कैरेक्टर को गेम के अंदर इस्तेमाल करता है। किसी को स्काइलर बढ़िया लगता है तो भाई किसी को आलोक बढ़िया लगता है, और कोई कोई भाई अभी भी है जो कि के कैरेक्टर को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, तो भाई देखो असल में मुद्दा ये है OB40 अपडेट से पहले, मतलब OB41, OB42 एंड OB43, ये जो तीन अपडेट अपने गेम के अंदर हमें देखने को मिला है, इसी अपडेट में गराना वालों ने अपने कैरेक्टर सेक्शन में कुछ कैरेक्टर के अंदर इतना खतरनाक एबिलिटी डाल दिया है कि हर एक प्लेयर तकरीबन 95% प्लेयर बिल्कुल सेम एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा है। गेम के अंदर अगर 50 प्लेयर एक साथ में उतर रहे खेलने के लिए तो भाई आपको उसमें मैक्सिमम 45 से ऊपर वाले प्लेयर आपको सोनिया इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड हां आल्सो दिमित्री भी, क्योंकि सोनिया और दिमित्री का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत धांसू चल रहा है अभी गेम के अंदर। लेकिन इसको अपडेट के बाद आप लोग को जो अपना गेम के अंदर सूजी कैरेक्टर अवेलेबल है, यानी कि जिसका रिव्यू आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, जो भाई सूजी है इसके अंदर आप लोग को एक न्यू चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कुछ लीक्स की माने तो भाई ऐसा बताया जा रहा है सूजी को बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया जाएगा। अभी का टाइम पे इसका काम क्या है भाई, गेम के अंदर आप लोग को बस ये 100 टोकन देगा, टोकन मतलब वो इफेक्ट कॉइन देगा जिस कॉइन से आप लोग अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो, या फिर वेंडिंग मशीन के अंदर से कुछ आइटम्स वगैरह बाय करते हो तो वो इफेक्ट कॉइन ये देता है। एंड गाइस आप लोग यहां पर एक वीडियो क्लिप देख पा रहे हो जो कि भाई गर्नावरों ने कल अपने यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड किया था, और उसमें गाइस अनाउंस करने का तरीका कुछ ऐसा था कि भाई हम जो सूजी को कैरेक्टर गेम के अंदर दिए हैं उसको कुछ खतरनाक एबिलिटी के साथ लॉन्च करने वाले हैं। मतलब अभी के टाइम पे ये सिर्फ इफेक्ट कॉइन गेम के अंदर देते हैं जिससे कि आप लोग टोकन जमा कर पाते हो, एंड गेम के अंदर से बढ़िया बढ़िया आइटम्स को वेंडिंग मशीन के अंदर से बाय कर सकते हो, एंड अपने टीममेट को भी बहुत आराम से रिवाइव कर पाओगे। बट भाई देखो सूजी के अंदर शायद कुछ और एक्स्ट्रा एबिलिटी डाला जाएगा आफ्टर OB42 अपडेट, मतलब सूजी को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाने वाले है OB42 अपडेट के बाद। एक्जेक्टली इसके अंदर कौन कौन से अपडेट हमें देखने को मिलेंगे वो तो भाई 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा, बट आपको इतना बता दूं कि भाई सूजी के अंदर आपको एक चेंजेस देखने को मिलने वाला है जिससे कि सूजी पावरफुल हो जाएगा। खैर बाकी आप लोग को 13 तारीख के दिन मैं इसका एबिलिटी वगैरह टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं वन पंच मैन शॉटगन के बारे में। बहुत से भाई लोग इस चीज के लिए वेट कर रहे हो, यानी कि वन पंच मैन शॉटगन को अपने गेम के अंदर कब तक बैक दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अपडेट को इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बस ये बता पाऊँ कभी ये बैक आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में अपडेट देते हैं। अगर मैं कमेंट पिक करता तो भाई वहाँ पर मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं रहता है। असल में देखो जो वन पंच मैन शॉटगन है ये एक कोलैबोरेशन का शॉटगन है, कह सकते हो कि कोलैबोरेशन का आइटम है। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज इसलिए क्लियर करना चाहूंगा, जो भी आइटम्स कोलैबोरेशन का होता है गरना वाले उसको चाहकर अचानक गेम के अंदर बैक नहीं दे सकते, या फिर जब चाहे तब उसको बैक नहीं करा सकते। अगर आइटम्स गरना वाले की तरफ से डिजाइन किया गया नॉर्मल आइटम है या फिर फ्री फायर गेम का आइटम है तो भाई उसको गरना वाले जब चाहे तब बैक करा देंगे, बट जो कोलैबोरेशन का आइटम होता है चाहे वो बंडल हो, गन स्किन हो या फिर इमोट ही क्यों ना हो, उसको गरना वाले जब चाहे तब बैक नहीं करा सकते। इसलिए गाइस वन पंच मैन को लेकर यहाँ पर आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर दोबारा फिर से गरना वाले वन पंच मैन के साथ में कॉलअप करते हैं तो भाई उसके आइटम सबको अपने गेम के अंदर बैक मिलेंगे, क्योंकि यार देखो इसमें भाई पैसे वाला सीन है, जिनके साथ कॉलअप किया जाता है उनको पैसे देना पड़ता है, बिना पैसे देकर उसके आइटम्स को गेम के अंदर दोबारा गिरने वाले बैक नहीं ले पाएंगे। तो भाई ये है अपना पूरा डिटेल्स वजह, मतलब बिल्कुल अंदर की बात, जो कि यूट्यूब पे बताना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको मैं क्लियर कर दिया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को पूरा अंदर की बात भी पता चले। तो भाई अगर पैसा पे नहीं करेगा तब कोलैबोरेशन के आइटम्स को गेम के अंदर गिरने वाले चाहकर भी बैक नहीं करा सकते, इसलिए भाई वन पंच मैन अभी के टाइम पे बैक आ भी सकता है अगर मतलब कॉलअप किया जाता है तो, और अगर कॉलअप नहीं होता है फिर आपको ये बैक नहीं मिलेंगे। यार आओ गाइस अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी के आईडी को एक बार मैं बैन कर देता हूं।
असल में गाइस को एक नोटिस हमें देखने को मिला है या फिर कह सकते हो गाइस हमें एक स्क्रीनशॉट मिला है लीक के अकॉर्डिंग। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि एक जेन्युइन स्क्रीनशॉट है या फिर कह सकते हो आप लोग एक जेन्युइन अपडेट है, मतलब बिल्कुल सही अपडेट है बेसिकली ये। और इसमें बताया कुछ ऐसा जा रहा है बेसिकली गाइस ये एक एग्रीमेंट है जहां पर भाई फ्री फायर वाले कुछ ऐसा कह रहे हैं आप लोग पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लो कि आप लोग फ्री फायर गेम को खेल रहे हो या फिर लंबे समय तक खेल रहे हो। आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले ही 3 घंटा 6 घंटे वाला सिस्टम गेम के अंदर आया हुआ है 18 साल के नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के लिए। अब यहाँ पर भाई लिखा कुछ ऐसा गया है आप जो ये गेम प्ले कर रहे हो उनके लिए पहले आप लोगों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा और एग्री करना पड़ेगा, नीचे आपको एक टिक करना पड़ेगा, देन आप लोग अपने आईडी को जो है लॉगिन कर सकते हो गेम के अंदर। और इसका मेन मुद्दा ये कि भाई बच्चे जो है गेम को लगातार गेम प्ले कर रहे हैं, मतलब फ्री फायर में जो है बहुत टाइम देते हैं फ्री फायर गेम को खेलने के लिए। और इसके लिए भाई मतलब इंडिया का जो लॉ है कानून है अगर करे ना उस चीज को फॉलो करेगा तो ही भाई अपने फ्री फायर इंडिया वर्सन को प्ले स्टोर के अंदर लाने का जो अनुमति है परमिशन है वो करने वाले को मिलेंगे। और इसलिए करने वाले कुछ ऐसे करने वाले हैं कि भाई अपने जितने भी मतलब 12 साल के नीचे बंदे हैं, मतलब जो 12 साल के उम्र के कम है वो लोग जो फ्री फायर गेम को खेलने वाले हैं उनके अकाउंट में गेम प्ले करने के लिए उनके अकाउंट में अपने पेरेंट्स से एक परमिशन देना पड़ेगा कि भाई मैं 12 साल से नीचे हूं और मेरा पेरेंट्स ने बेसिकली परमिशन दिया है कि मैं फ्री फायर गेम को खेलूंगा, उसके बाद ही आप लोग जो है गेम को खेल सकते हो। और ये लिमिटेशन जो कह सकते हो एग्रीमेंट वगैरह ये शायद अपने पेरेंट्स से दिलवाना पड़ेगा तो ही आप लोग अपने आईडी को लॉगिन करवाओगे। फिलहाल इतना ही पता चल रहा है सारे लीक्स को ढूंढने के बाद। अब इसके बाद जो भी पता चलेगा भाई जो भी रिवील होने वाले हैं 13 तारीख के बाद ही रिवील होगा, यानी कि एडवांस सर्वर आने के बाद। जितना भाई मुझे पता चल रहा है कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। 12 साल का हूं फ्री फायर गेम को खेलना चाहता हूं तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए तो ही जो है अपने आईडी को मैं लॉगिन कर पाऊंगा। तो ऐसा कुछ सीन जो है होने वाले है आफ्टर OB42 अपडेट गेम के अंदर, मतलब फ्री फायर इंडिया के अंदर। देखते क्या कुछ होता है, 13 तारीख के बाद सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते स्पेशल गोल्ड रॉयल के बारे में। तो गाइस आप लोग को अपने गेम के अंदर 1 नवंबर के दिन एक न्यू गोल्ड रॉयल का बंडल अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे और साथ में फ्री फायर इंडिया भी आने वाले है। तो भाई देखो मेरा भी अपडेट बिल्कुल पहले के मेरा बात यही सेम है, मतलब यहीं पर भी यही बात मैं बोलूंगा कि भाई देखो आप लोग को अपना जो न्यू गोल्ड रॉयल गेम के अंदर देखने को मिलेंगे इस बार अपने आप में ही एक बहुत ही स्पेशल गोल्ड रॉयल होने वाले है। बिकॉज इस बार जो गोल्ड रॉयल गेम के अंदर दिया जाएगा उसके अंदर आपको एक बहुत ही कमाल का बंडल देखने को मिलेंगे। एंड हाँ ऑल्सो ये भी भाई लीक्स मिला है कि भाई इस बार नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के साथ में कुछ और भी आइटम्स को डायरेक्टली गोल्ड रॉयल के अंदर एड किया जाएगा जो कि भाई इमोट होने वाले हैं, गन स्किन होने वाले हैं और बंडल तो ऐसे ही रहेंगे। बाकी यहाँ फ्री फायर इंडिया स्पेशल आपको एक गोल्ड रॉयल देखने को मिल सकता है जिसके अंदर आपको 3 से 4 बंडल देखने को मिलेंगे, इमोट गन स्किन भी उसके अंदर रहेंगे जो कि फ्री फायर इंडिया आने के बाद दिया जाएगा। नवंबर मंथ भी आपको मिलेंगे, बस कह सकते हो 1 नवंबर के जगह पर वो थोड़ा सा लेट होकर मिलने वाले 3-4 दिन बाद शायद। तो ये हो गया स्पेशल गोल्ड रॉयल को पर अपडेट। आगे बढ़ते बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। तो पहला कमेंट था सनी भाई आप कहां से हो और वेस्ट बंगाल में बेसिकली कहां से हो एंड सनी भाई आप कैसे हो। तो भाई हम है मोजे में, मतलब मजे में, और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ बट कलकत्ता से हूँ असल में। खैर इसके बाद जो अगला कमेंट था वो ये था कि सनी भाई मेरा गेम क्यों नहीं चल रहा है। तो भाई आपको असल में प्रॉब्लम क्या है जरा वो बताओ, गेम ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क स्लो है, गेम लैग कर रहा है, क्या असल में मेन प्रॉब्लम क्या है जरा वो कमेंट में बताओ। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो, कल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा एंड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। खैर जरा पेश किया जाए अपना अगला कमेंट, व्हाइट चोटी बंडल कब आएगा, दिवाली उसके अंदर आने वाले है, मिस्ट्री शॉप कब आएगा, 12 तारीख के दिन आपको मिस्ट्री शॉप का इवेंट गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वैसे और एक कमेंट यहाँ पर एक भाई ने किया था जो कि कुछ ऐसा था कि सनी भाई अपने गेम के अंदर ओल्ड M1007 कब आएंगे, और सनी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भाभी ना पटा पा रहे हो। तो सबसे पहली बात ओल्ड M1007 इज कमिंग ऑन दिवाली विश बट नॉट अ टॉपिकल पैरट एंड नॉट द वन पंच मैन शॉट गन बिकॉज दोनों गन स्किन नॉट कमिंग इन गेम ऑफ दिस टाइम बिकॉज दोनों गन स्किन इज वेरी रेयर गन स्किन। सो जस्ट दिस इज द मेन कारण गरना इज नॉट बैक कराइंग ऑन दिस टाइम पे M1007 में टॉपिकल पैरट एंड ऑल्सो वन पंच मैन अटैचिंग, मतलब दोनों मिक्स करके, तो इन दोनों को नॉट दिया जाएंगे बट विंटरलैंड शॉटगन इज समथिंग नथिंग कमिंग, मीन्स कि आ भी सकता है नहीं भी बट लगता है कि विंटरलैंड शॉटगन दिस इज कमिंग ऑन दिवाली विश। सो इसके आगे दैट्स वाई फुल मर्जी ऑफ गरना फ्री फायर, गरना फ्री फायर बढ़िया लगिंग सो बैक कराइंग ओके। तो लेफ्ट हैंड गो प्राउड सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड गो ट्रैफिक देन एवरीबॉडी वाज हंकिंग। वैसे हाँ एक भाई ने ये भी कहा था कि सनी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भाभी पटा नहीं पा रहे हो, तो भाई आप तो रहे नहीं दो बिल्कुल। कल मैं मेले में एक आईफोन 14 लेके घूम रहा था कि भाई एक लड़की मिल जाए, उसको मैंने दिया कि भाई ले लो तो और मेरे से फट जाओ। नहीं यार कहानी उल्टा हो रहा है, मतलब मैं अपना खुद का कहानी बोल रहा हूँ, यह असल में तुम्हारी कहानी है। मैं कल तुम्हें ही देख रहा था मेले में आईफोन लेके घूम रहे थे और आते जाते लड़की को बोल रहे थे कि मेरे से फट जाओ तो आईफोन दे दूंगा, ये तरीका है पटने का कोई। लेकिन ना कृपया ध्यान दीजिए ये कहानी को याद मत रखिएगा और किसी का समय में बोलिएगा मत, जुबान फिसल गया था चमड़े की है फिसल गई है, तो अपना खुद ही का ही कहानी बोल दिया हो। तो ये सब झूठ बातें हैं, सब बिल्कुल याद नहीं रखना है। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।
ये कौन है जो मेरी कहानी को दूसरों को बताने के लिए इतना जल्दबाजी करके जा रहा है? पकड़ के केस कर दूंगा अगर हाथ में आ जाओगे तो। बिल्कुल बताना नहीं है किसी को ये कहानी।